हेलो गाइस तो आज की वीडियो में कवर करेंगे हम द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग दोनों में क्या क्या फ़र्क है दोनों के ब्रोकरेज में क्या फ़र्क है होल्डिंग पीरियड में क्या फ़र्क है टाइम फ्रेम कौन सा डिफरेंस है और क्या रिस्क है दोनों में तो उस पर हम बात करेंगे तो ये पी है इस पी के सारे पॉइंट हाई लेवल पॉइंट सारे नोटेड हैं और इसी पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और कोई भी चीज़ अगर आपको दिखानी होगी मुझे तो मैं आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके दिखा दूंगा तो हम चालू करते हैं तो पहले क्या इंटरनेट ट्रेडिंग क्या होती है तो इंटरनेट ट्रेडिंग बेसिक वो ट्रेडिंग है जहाँ पे आप कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करते हो और उसका जो पोजिशन जो है वो उसी दिन क्लोज़ हो जाएगा मतलब आपका पी जो होगा आज के आज ही डिसाइड हो जाएगा कि आप नुकसान में रहे हैं या प्रॉफिट में रहे हैं आपको अगले दिन अगले दिन आपका स्टॉक नहीं जाएगा इसका मतलब ये है कि आज की पोजीशन आपकी आज की आज ही क्लोज हो जाएगी कल आपके लिए एक नया दिन है जो भी आपका नुकसान और फायदा आज हुआ होगा वो कल आपके अकाउंट में डिडक्ट हो जाएगा ऐड हो जाएगा वो कल आपकी नई फ्रेश ट्रेडिंग होगी जो आपने स्टॉक आज ले लिया है उससे आपको कोई मतलब नहीं है उसकी क्लोजिंग आज ही होगी है तो ये आपका बेसिकली इंटरेडिट ट्रेडिंग है डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या होता है जो भी आप स्टॉक ख़रीदते हैं वो से. आपका आपके डीमेट अकाउंट में एक दिन बाद आ जाता है जैसा मतलब कि आप उस स्टॉक को एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर सकते हो आपने कोई चीज़ आज बाय करी तो आपको अगर एक दिन से ज़्यादा आपके अकाउंट में वो चीज़ रहेगी तो वो एक टाइप का डिलीवरी डिलीवरी ट्रेडिंग हो गया तो आपकी मर्जी है आप उसे कब भी सेल करो मतलब एक साल में करो दो साल में करो दस साल में करो मतलब कोई भी कोई भी स्टॉक आपका एक दिन से ज़्यादा आपके आप एक दिन से ज़्यादा आपके अकाउंट में रहेगा तो वो एज आ डिलीवरी ट्रेडिंग चलाया जाएगा तो इंटरनेट ट्रेडिंग को बेसिकली कई नाम से जाना जाता है मार्केट में बोला जाता है इसे हम डे ट्रेडिंग भी कहते हैं बिकॉज इसका एक ही दिन में सब कुछ होता है मतलब नौ पंद्रह मार्केट खुलती है साढ़े तक इसका जो भी पी है वो अपने को बुक करना पड़ता है और उसको मार्जिन ट्रेडिंग भी कहते हैं इसका भी रीज़न ये है क्योंकि आपको इस ट्रेडिंग करने के लिए आपको ब्रोकर आपके हैं वो मार्जिन प्रोवाइड करते हैं उस पर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और डिलीवरी ट्रेडिंग का डिफरेंस नेम क्या है इसे कैश ट्रेडिंग भी कहते हैं बिकॉज आपको जितना भी पैसा जितने भी अपने स्टॉक वर्थ खरीदना है उतना पैसा आपको एक बार में देना पड़ेगा इसे पोलिशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं और स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग मतलब हो गया जो स्टॉक्स आपने देखा होगा स्विंग्स बनाते हैं मतलब हाई बनाता है लो बनाता है तो आप एक स्विंग को कैप्चर करते हो तो उसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग वो भी एक टाइप का डिलीवरी ट्रेडिंग है और पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब आप सेम एज डिलीवरी ओनली और दोनों अब बात करते हैं दोनों में होल्डिंग पीरियड डिफरेंस क्या है तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आप यहाँ पे यह लिखा है कि यू नीड टू स्क्वायर ऑफ द पोजिशन विद इन द सेम डे मतलब आपको अपनी पोजिशन को क्लोज करना ही पड़ेगा एंड ऑफ डे अगर आप नहीं करेंगे तो ब्रोकर आपको ऑटोमेटिक आपका एंड ऑफ डे पोजीशन क्लोज़ कर देगा अगर आप भूल जाते हैं तो ब्रोकर आप आपका ऑटोमेटिक क्लोज़ कर देगा पोजीशन और आपका पी एन एल वही डिसाइड होगा जो लास्ट में अब डिफेक्ट हो रहा होगा अब इसमें क्या है कि अब डिलीवरी में क्या है कि आप इसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आप होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट मतलब एक दिन से ज़्यादा आप होल्ड कर सकते हैं तो आपका वो डिलीवरी ट्रेडिंग कहलाता है आप इसे होल्ड करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है बस एक दिन से ज़्यादा होना चाहिए तो आपका आपका डिलीवरी ट्रेडिंग कराएगा आप दो महीने करिए एक साल करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दूसरी चीज़ है कि मार्जिन तो आपका इंटर ट्रेडिंग में आपको ब्रोकर आपका मार्जिन प्रोवाइड करता है टू एक्स टू टेन एक्स इसका मतलब है कि आपका दो हज़ार रुपया अगर आप डन टेन एक्स देखेंगे तो आपके दो हज़ार रुपये बीस हज़ार के बराबर हो गए इंटर डे में लेकिन ऐसा कोई मार्जिन आपका डिलीवरी में नहीं प्रोवाइड होता मतलब आपको जितने दस हज़ार पे हैं तो आप दस हज़ार का ही स्टॉक ख़रीद सकते हैं दस हज़ार वर्थ के स्टॉक खरीद सकते हैं और बाकी इंटर में क्या है अगर आपके पास दो हज़ार भी पड़े हैं तो अगर आपका स्टॉक का मैक्सिमम लेके चले टेन एक्स है तो आप बीस हज़ार वर्थ के स्टॉक ख़रीद सकते हैं तो इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं एक uh, काइट के ये प्लेटफॉर्म में आता हूँ ये जीरोधा का इंटरफेस है वेब पेज तो यहाँ पर क्या है जैसे रिलायंस का शेयर है अब रिलायंस का शेयर है अब या मैं अगर इंटर पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर मान लीजिए सौ खरीदता हूँ सौ खरीदता हूँ तो आप नीचे देखेंगे तो मुझे सिर्फ तेईस हज़ार तेईस हज़ार नौ सौ रुपये मेरे अकाउंट से सिर्फ लगेंगे इसको ख़रीदने के लिए ये सिर्फ इंटर है अगर वही चीज़ मैं डिलीवरी में ख़रीदूँगा जिससे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म और सी एन सी भी वही चीज़ हमारी बराबर हो गई दो लाख दो लाख सत्रह हज़ार रुपये समथिंग तो ये क्या है यही डिफरेंस है मेन इंटर में तो इंटर में क्या होता है हर एक ब्रोक हर एक ब्रोकर हर एक मतलब डिफेंड करता है कि स्टॉक का कितना एक्स रेटिंग है हर एक स्टॉक की एक रेटिंग डिसाइडेड होती है जो कि रेटिंग आप यहाँ पे देखो ये पेज पे ज़रुदा का प्लेटफॉर्म पर पेज है जिस पे सब हर एक स्टॉक का आपको दिख जाएगा जैसे अब रिलायंस का मैंने ऑलरेडी मैं चेक कर रहा था रिलायंस ऑलरेडी खुला हुआ है तो रिलायंस आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे लेवरेज कितनी है सिक्स एक्स मतलब आपको सिक्स एक्स मतलब जो आप स्टॉक मतलब सी एन सी मतलब कै डिलीवरी में एक देखो वही स्टॉक आप इंटर डे में छः क्वान्टिटी से ट्रेड कर सकते हो तो वही मैंने आपको विंडो में भी दिखाया ये चीज़ की क्या डिफरेंस है ये बेसिकली डिफरेंस हो गया मार्जिन और ये जो मार्जिन आपको प्रोवाइड करता है आपका ब्रोकर उसी हिसाब से वो आपको ब्रोकरेज स्टार्ट करता है एज अ कमीशन ठीक है तो ये मार्जिन हमने पॉइंट कवर कर लिया मेजर डिफरेंस और बात करें ब्रोकरेज की तो जो अपना इंटर डे होता है उसमें ब्रोकरेज हमारी होती है कम और बाकी जो ब्रोकरेज होती है आपकी डिलीवरी में ब्रोकरेज होती है ज़्यादा तो उसका भी आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ वो आपको यहाँ पे जाएंगे जरो के प्लेटफॉर्म पे ये एक टैब है यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर है और ये एक विंडो है हम बात करेंगे यहाँ पे इंटर इक्विटी की और डिलीवरी तो ये हमारा इंटर हो गया ये हमारा डिलीवरी हो गया अब दोनों में देखिए दोनों में डेटा सेम ऐड किया हुआ है यहाँ पे सौ क्वानिटी मैंने खरीदी ग्यारह मैंने हज़ार खरीदा ग्यारह ग्यारह सौ पर बेचा वो मैंने चार सौ क्वानिटी खरीदी अब तो यहाँ पे मेरा जो ब्रोकरेज लगा यहाँ पे देखोगे सिर्फ दो सौ चार रुपये ब्रोकेज लगा ये मेरा नेट में नहीं ब्रोकरेज काटने के बाद वही चीज़ मैंने हज़ार से कैश में ख़रीदा और ग्यारह सौ में बेचा और चार सौ मेरी ब्रोकेज जो है नौ तो ये डिफरेंस है इतना देखिए ब्रोकरेज में भी पाँच गुना हो गया तो ये डिफरेंस है कि आपको यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये यह चीज़ जो है एक ही दिन में होगा मतलब आपका ये जो प्रोसेस है ये एक ही दिन का है लेकिन यहाँ पे क्या है कोई प्रोसेस तो टाइम फ्रेम नहीं है आपने हो सकता है कि एक ही दिन में बेच दिया हो हो सकता है आपने दस दिन में बेचाओ और आपका साल दस साल कभी बेचोगे तो इतनी ही ब्रोकेट लगेगी ये आप नॉर्मली आप अगर आप जीरो यूज़ करते हो तो आप इजिली ट्रेड एंटर करने से पहले ही आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी इस जो आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो उसमें कितना ब्रोकेट लगेगा और आपका ब्रेक इवेंट पॉइंट क्या है तो ये आपका डिफरेंस हो गया ब्रोकेज के हिसाब से आप बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है और शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज को बिना लिए मतलब आपके पास है भी नहीं फिर भी आप बेच रहे हो तो वो चीज़ अलाउड वो चीज़ इंटर में आप कर सकते हो लेकिन आप कैश में नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि आप इंटर डे की अगर विंडो में जाएंगे तो यहाँ पे अगर एम ई एस का ऑर्डर आप सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे सेल किया रिलायंस को मैं सेल इंटर डे पर हंड्रेड सेल कर सकता हूँ सेल मैं तभी करूँगा जब मेरे पास होगा लेकिन इंटर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप उधार मांग के आपका ब्रोकर आपको उधार देगा आप सेल करोगे लेकिन एंड ऑफ डे आपको बाय बैक करना पड़ेगा तो आपका ऑर्डर बिल्कुल बाय uh, और सेल दोनों हो जाएगा तो जैसे इंटर में मैं यहाँ पे इस चीज़ को सेल भी कर सकता हूँ मतलब आप मान लो कि मेरा स्टॉक लग रहा है कि गिर रहा है तो मैं उसको उ... मतलब इंस्टेड ऑफ बाइंग आई कैन सेल दैट और उसमें वो पॉइंट डिफरेंस मैं कमा सकता हूँ और जब मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है यहाँ तक गिर चुका है अपनी इससे ज़्यादा गिरेगा ऊपर आ रहा है तो मैं उसे बाय बैक कर लूँगा तो वो जो डिफरेंस होगा मैं उसका वो प्रॉफिट कमा सकता हूँ लेकिन अगर आप डिलीवरी में जाओगे तो डिलीवरी में आप ये नहीं कर सकते ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इंटरडे और सी एन सी में आप इक्विटी को आप शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास अकाउंट में है ही नहीं शेयर तो आप उसे बेचोगे बेचोग तो लेकिन वही चीज़ आप इंटर डे में आपको ब्रोकर आपका आपको उधार टाइप का दे देता है कि आप बेचो और उसका जो प्रॉफिट हो बाद में बाय बैक कर लो तो जो आपका डिफरेंस होगा बाय और सेल पे वो डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा और ये चीज़ आप सी एन सी में नहीं कर सकते सी एन सी में करने का तरीका अलग है उसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे आप फ्यूचर्स में कर सकते हो ऑप्शन कर सकते हो और थोड़ी हाई लेवल की चीज़ें हैं वो फिर कभी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में अगले पॉइंट पर चलते हैं और डिविडेंड्स आपको इंटर में आपने कोई भी स्टॉक ख़रीदा हो आपको उसका डिविडेंड नहीं मिलेगा मतलब जैसे स्टॉक क्या होता आप इक्विटी खरीदते हैं तो आप जब भी डिलीवरी करते हैं डिलीवरी लेते हैं स्टॉक्स की तो आपको जब भी कोई कंपनी उसका अपने डिविडेंड्स निकाल रही है मतलब कुछ भी चार रुपये पाँच रुपये तो जितने भी आपके स्टॉक्स आपके होल्डिंग में हैं और डिलीवरी आपने जो ली है उन स्टॉक्स के मल्टीप्लाई बाय और डिविडेंट वो आपके अकाउंट में आ जाएगा और लेकिन ये चीज़ इंटर में नहीं मिलती अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक प्लेटफॉर्म है ये ट्रेडिंग व्यू का ये प्लेटफॉर्म है अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये डी है ये ये मैंशन है यहाँ पे क्या है यहाँ पे इस तारीख को नौ तारीख को पाँच पाँच रुपये डिविडेंट कम्पनी ने रिलीज़ किया है तो इस समय अगर आपके पास आपके पास सौ सौ क्वान्टिटी के शेयर्स आपके अकाउंट में पड़े होंगे तो आपको फाइव सेवेंटी फाइव रुपीज़ आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे वो जो भी कंपनी अपना डिविडेंड रिलीज़ करेगी वो पैसा आपको एज अ बोन आपके अकाउंट में आ जाएगा डायरेक्टली तो ये आप क्योंकि एक टाइप के आप ओनर हो स्टॉक के तो ये ये पॉसिबल सिर्फ है आपके डिलीवरी में तो डिविडेंड्स बोनस आपको आप अगर डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर स्टॉक को होल्ड करके कर रखा हुआ है तो आपको मिलेगा जो भी कंपनी रिलीज़ करेगी और यहाँ पे टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करते हैं बेसिकली टाइम फ्रेम का क्या है जैसे इंटरडेट ट्रेडिंग बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है एक ही दिन की ट्रेडिंग है और बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं यूज़ कर सकते हैं जैसे इसमें मोस्टली क्या यूज़ है पाँच मिनट पंद्रह मिनट तीस मिनट एक घंटा मैक्सिमम एक घंटे का टाइम फ्रेम पर ही ट्रेडिंग करते हैं बाकी जैसे अब ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है जैसे डिलीवरी तो इसमें क्या है चार घंटे से लेकर एक मंथ तक के चार्ट यूज करके उसमें उस हिसाब से अपने टेक्निकल एनालिसिस यूज करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं अब स्टॉक मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंस है अब इंटर डे में जैसे एक ही दिन में एक ही दिन में हर चीज़ हर चीज़ होगा प्रॉफिट एंड पीनल एक ही दिन में डिसाइड हो जाएगा तो आपको कंटिन्यूसली स्टॉक को मॉनिटर करना पड़ता है और जो भी पोजीशन चेंज हो रही है वही मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे जाएगा लेकिन आपको जो भी आपकी पोजीशन को आपको क्लोज करना है तो आपको एक्टिवली देखना पड़ेगा हर पाँच मिनट में दस मिनट में देखना पड़ेगा कि स्टॉक का क्या चल रहा है गिर रहा है बढ़ रहा है प्रॉफिट है नुकसान है तो उससे निकलना पड़ेगा उसमें से लेकिन आपका इसमें क्या है कि आपको लेस मॉनिटरिंग है लेस मॉनिटरिंग का मतलब है कि आपने एक बार स्टॉक खरीद दिया और आपका लॉन्ग टर्म का इसका व्यू है तो स्टॉक अगर एक दिन में गिर भी जाता है तो आपको घबराने की बात नहीं है क्योंकि आपका व्यू जो है लॉन्ग टर्म है और रोज़ रोज बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं कभी आपने देख एक दो दिन में अपना स्टॉक का स्टेटस देख लिया ग्राफ्स चेक कर लिए कि आपके पैटर्न पे चल रहा है क्या नहीं बस उतना ही जरूरत है बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है मतलब ऑफिस गोइंग लोगों के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है और मेन डिफरेंस ओवर रिस्क के हिसाब से डिफरेंस क्या है तो ओवर रिस्क आपने जब इंटर में आपने स्टॉक कैसे सुबह लिया और शाम में निकाल दिया तो आपके पास रात के लिए स्टॉक आपके अकाउंट में नहीं है तो आपको मतलब नहीं है कि रात में जो भी न्यूज़ आए उससे कोई मतलब नहीं है तो इसमें कोई रिस्क नहीं है आपको अगले दिन आपकी नई पोजिशन है आप नए स्टॉक पर ट्रेड करोगे लेकिन इसमें क्या है कि आपने स्टॉक एक बार डिलीवरी दिलिवर, में ले लिया तो आपके अकाउंट में आ गया तो मतलब आप रात आज खरीदा आपने और कल कोई न्यूज़ आ गई मान लो कोई कुछ भी कुछ भी न्यूज़ हो सकती है बैड इन्फ्लुएंस न्यूज़ होगी तो आपके स्टॉक गिरेगा तो आपको पूरा इन्फ्लुएंस होगा और मान लिया अब दस दिन बाद भी कोई न्यूज़ आ गई तो हमेशा जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो आपका रिस्क ओवरनाइट रिस्क भी बढ़ता है मतलब कुछ भी न्यूज़ हो सकती है मतलब कोई कंपनी बंद हो गई डिफ़ॉल्ट हो कुछ हो गया तो आपके वो पैसे फंस सकते हैं और स्टॉक बहुत तेज़ी से नीचे गिर सकता है तो ये रिस्क हमेशा आपका डिलीवरी में रहेगा और ऑर्डर टाइप इसमें एम ज़्यादातर यूज़ होता है मतलब ये डिपेंड करता है कि आपके ब्रोकर का क्या नेमिंग कन्वेंशन यूज़ किया जैसे जरोधा में एम है इसे कहते हैं मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ और उस डिलीवरी को कहते हैं सी एन सी सी एन सी मतलब कैश एंड कैरी आपको खरीद के आप आगे कैरी कर रहे हो तो ये मैंने आपको जो दिखाया यहाँ पे यहाँ पे ऑर्डर दिखाया था जैसे आप ये यह दिखा ना इंट्राडे तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसे बाय एक्सेल करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो इंट्राडे में जाएगा और आज के आज ही पोजूशन ऑटोमेटिक बंद ही हो जाएगी और लॉन्ग टर्म वाले में क्या है कि सी एन सी के नाम से अगर जो भी आप ये करोगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा अपफ्रंट और दूसरी चीज़ की आपकी डिलीवरी एज अ डिलीवरी ट्रेडिंग हो गई ये तो ये बेसिकली बहुत मेजरली डिफरेंस हो गए ये इंट्राडे में और अपना डिलीवरी में अब इन दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो इंट्राडे में एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो आपको जैसे मार्जिन ब्रोकर प्रोवाइड करता है तो आपको इन्वेस्टमेंट कम लगेगी मतलब आप दो हज़ार की चीज़ भी आपके लिए अगर बहुत अच्छा इन्वेस्ट मतलब मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है तो दो हज़ार की चीज़ भी आपको बीस हज़ार की बीस हज़ार मिल जाएंगे उस पैसे उस पैसों की ट्रेडिंग कर सकते हो आपका ओवरनाइट कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आप आज के आज का जो भी आपका स्टॉक होगा वो आज के आज ही पी एन एल पी एन एल बेस्ड हो जाएगा जो भी पोजीशन होगी आपका प्रॉफिट और नुकसान जो भी होगा आपके अकाउंट से आज ही डिडक्ट हो जाएगा या आपके अकाउंट में आज ही आ जाएगा मतलब आज नहीं मतलब डिसाइड आज हो जाएगा आएगा कल एक दिन बाद और यहाँ पर आपको एक और एडवांटेज है आप शॉर्ट सेल कर सकते हो शॉर्ट सेल मतलब आपको लग रहा है कि स्टॉक गिर रहा है तो आप उसको भी उसको सेल कर सकते हो लेकिन ये चीज़ आप डिलीवरी में नहीं कर सकते और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्रोकरेज बहुत कम है आपको मैंने भी दिखाया था कि पाँच गुना ब्रोकरेज कम से कम कम होती है आपकी इंटरडे ट्रेडिंग में और वही बात करें हम डिलीवरी में डिलीवरी में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास बेचने की कोई लिमिट नहीं है मतलब कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको कब बेचना है जब आपका मन हो तब बेचिए मतलब आज स्टॉक मान लो दस परसेंट गिर भी गया चार पाँच दिन में लेकिन आपके फिर भी आप होल्ड कर सकते हो उस स्टॉक को जब बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरडे में ऐसा नहीं है मान लिया कोई स्टॉक टेम्प्रेली गिरा आपकी पोजिशन हिट हो गई स्टॉक पास हिट हो गया तो लेकिन वो आज के आज ही आपको आपको वहाँ पर टाइम का एक ही दिन है आपके पास जो भी करना है आपको जो भी पोजिशन होगी स्टॉक कभी कभी क्या होता है कि मार्केट गिरती है तो स्टॉक भी गिरता है लेकिन वो एक्चुअल फॉल नहीं होता स्टॉक में लेकिन इंटर में आप वो नहीं यूज़ करते लेकिन यहाँ पर डिलीवरी में आप वो चीज़ को यूज़ करते मतलब टेम्प्रेरी फॉल आया दो तीन दिन का क्योंकि मार्केट गिर रही थी लेकिन उसके बाद वो स्टॉक वापस ऊपर चलने लगा जाता तो ये एडवांटेज है आपके पास टाइम है आपको बेचने का टाइम है और आपको जैसे बात करी हमने ऑलरेडी डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है आपने जितने भी स्टॉक को होल्ड किया है जितने भी आपके स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स के जो भी कंपनी डिविडेंड निकालेगी तीन तीन महीने में या चार महीने में वो आपको मल्टीप्लाइड पर नंबर ऑफ होल्डिंग डिविडेंड डू नम मल्टीपाइड स्टॉक्स व्यर होल्डिंग वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा और यहाँ पे बहुत लेस मॉनिटरिंग है क्योंकि आपका व्यू बहुत लंबा है तो एक दो दिन गिर भी जाएगा तो भी आपको इतनी परेशानी की बात नहीं और एक दो दिन में चेक भी करते रहो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की तो इंटर डे में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मतलब आप जो पैसा लगा रहे हो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा बस आप ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब कर रहे हो आ, आज के आज ही जैसे होते हैं दुकानदार टाइप का, का काम कि आज के आज इतना गला बनाना है वो बनाया या इतना नुकसान लिया और चलते बने तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे मतलब एक ही दिन में सारा एक टाइप की शॉपिंग कर रहे हो गया मतलब आज या तो आएगा पैसा या तो जाएगा यही है और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलती है मान लो आपके बीस हज़ार रुपए हैं और आपने ट्रेडिंग करने लगे तो आपको ऑलरेडी टेन एक्स का मार्जिन मिल गया तो वही आपका बीस हज़ार बन गया दो लाख रुपये तो दो लाख जब ज़्यादा क्वान्टिट्टी खरीदोगे जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी खरीदोगे उतने ज़्यादा लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं मतलब कोई चीज़ आपको सौ सौ मिल रही थी लेकिन आपको मार्जिन के हिसाब से वो हज़ार मिलने लगेगी तो नुकसान भी हज़ार के हिसाब से ही होगा तो इसलिए आपको रिस्क जो है वो इसमें ज़्यादा है और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें क्वान कॉन्स्टेंट अटेंशन चाहिए मतलब मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि आपको हर पाँच मिनट में मार्के स्टॉक का प्राइस चेंज हो सकता है अभी वो पाँच मिनट के अंदर बिल्कुल दस पॉइंट ऊपर गया है वो अगले पाँच मिनट में बीस पॉइंट नीचे आ जाएगा तो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है इसको और डिलीवरी की डिसएडवांटेज है कि इसमें हमेशा ओवर नाइट रिस्क रहेगा मतलब कोई भी बैड न्यूज़ कुछ भी इन्फ्लुंस कर सकती है उस आपके स्टॉक को तो वो तो इसकी वजह से दर इज़ अ रिस्क ऑलवेज अ रिस्क ऑफ ओवर नाइट और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको जितना भी आपको स्टॉक ख़रीदना है उतना पैसा आपको पहले ही देना पड़ेगा उसी दिन देना पड़ेगा मतलब आप कोई किसी चीज़ का किसी स्टॉक का प्राइस हज़ार रुपये है, है और आपको सौ क्वांटिटी खरीदनी है तो आपको एक लाख रुपये आज ही देना पड़ेगा तो इसलिए लादार लोग डिलीवरी वाले में नहीं जाते इंटरडे करते हैं क्योंकि मार्जिन की वजह से बट ये ये एक प्रॉपर आई वुड से ये प्रॉपर आपका डिफरेंसेस है बिटवीन इंटरडे एंड डिलीवरी और ये पीडीएफ मैं अपना यूट्यूब वाले उसमें लगा ऑलरेडी यूट्यूब वाले उसमें डाल दूंगा पीडीएफ आप अपना देख सकते हैं बाद में और दूसरी चीज़ है और किसी ने अगर ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो मैं उसका लिंक भी अपने वीडियो में नीचे डाल दूँगा अगर आप आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली साइन अप करके अपना सारा प्रोसेस कर सकते हैं और जीरोधा ही मैं चाहूँगा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म वही है बहुत यूज़र फ्रेंडली है तो आप अगर अकाउंट खोलना चाहें तो आप उसमें अकाउंट खोल सकते हैं मैं लिंक उसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में ओके थैंक यू